हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज मुझे जाना है स्कूल, तो इसीलिए आज मुझे जल्दी ही खाना बनाना है। और अभी सुबह के 6 बजे हैं और आज मुझे बनाना है बैंगन का भरता। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बैंगन का भरता कैसे बनाती हूँ। मैं कभी भी बैंगन को ना तो भूनती हूँ ना उबालती हूँ, और मैं उसको डायरेक्टली ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उसका जो छिलका है वो नॉर्मल चाकू से उतार लेती हूँ, मतलब जो पिलर वाला चाकू होता है ना उससे नहीं उतारती। और इस तरह से मैं इस छिलके को उतार कर और फिर जैसे हम नॉर्मल सब्ज़ी काटते हैं ना उसी तरह से सब्ज़ी को काट लेती हूँ। और इस तरह से मैंने बैंगन को क्यों काटना शुरू किया, क्योंकि अरुण को मतलब उस तरह से खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनको वहम रहता है कि ना इसमें कीड़े होते हैं। तो इस चक्कर में ना बैंगन वो लाते ही नहीं थे घर में। तो जब हम इस तरह से बैंगन का भरता बनाते हैं तो देखिए एक एक स्लाइस बिल्कुल इसकी कट जाती है और कीड़े रहने का तो कोई चांस ही नहीं रहता। तो तड़का आज मैं लगाना नहीं दिखाऊँगी, मैं डायरेक्टली सिर्फ यही दिखाऊँगी कि भरता कैसे बना सकते हैं ऐसे नॉर्मल सब्जी की तरह। तो जैसे हम नॉर्मल तड़का लगाते हैं ना बैंगन में, वैसे ही तड़का लगा के हम कुछ देर इसको ढक के पकाते हैं। जब ये थोड़ा सा भाप में बन जाए तो उसको हम अच्छे से क्रश कर देते हैं फिर स्पून से ही। और ये देखिए, क्रश करने के बाद ये इस तरह से हमारा हो गया है, और देखने से बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा कि ये आपने उबाल के नहीं बनाई है या भून के नहीं बनाई है, डायरेक्टली ही बनाई है। आराम से बेटा, आराम से, ऐसे मत करो। कहाँ पे आए हो आज हुनर आप? स्कूल पे। स्कूल पे? कमर आप कहाँ आए हो? नहीं टूटेगा, आप ऊपर फेस रखो बस। ये जोर से। आज हम आए हैं स्कूल में, तो ये घर पे दोनों अकेले थे तो इसलिए मैं साथ ही इनको स्कूल ले आई हूँ, क्योंकि बहुत दिन से ना घर पे ये भी बोर हो चुके थे। तो आज बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपकी साइकिल कहाँ है कंवर? वहाँ पे खड़ी है कंवर की साइकिल। और यहाँ पर ये दोनों कर रहे हैं झूला, और मैं और हुनर दोनों हैं सेम मैचिंग। पीछे से ऐसे धक्का दे दो, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक। रुक जा। मम्मा की जुल्ली करा रहा है कंवर? हाँ। क्या करा रहा है? जुल्ली। अभी आप पास कौन हो गए? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी वीडियो में आपने देखा कि आज हम गए थे स्कूल। स्कूल में एक्चुअली मुझे कुछ काम था, बच्चे तो आते नहीं हैं स्कूल में, तो इसलिए मैं कंवर और हुनर को भी साथ ही लेके गई थी, क्योंकि घर पे ये बोर होते रहते दोनों, और मैंने सोचा कि वहाँ थोड़ा सा ये खेल लेंगे, इनका इंजॉयमेंट हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। और वहाँ पर खूब मस्ती की इन्होंने, खूब धमाल किया। और अब ये थक चुके हैं, आके लंच वंच करके ये सो गए हैं। तो अभी मैं आप लोगों से बात करने के लिए आ गई हूँ, और 2 दिन से मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है, मुझे कुछ बताना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है। और मेरे लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत ख़ास भी है, और मतलब बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ मेहनत मेरी सही जगह जा रही है, सही रंग ला रही है। तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगी मैं इस चीज़ का, सीधे सीधे बता देती हूँ कि जो मेरा मेन चैनल है, डांस वाला चैनल है, उसके हो चुके हैं 57-58,000 नियर अबाउट, अभी एग्जैक्ट मैंने नहीं देखा है कितने हुए हैं, 58 के आसपास वहाँ सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 58,000। और जो ख़ास बात है वो ये है कि पिछले 1 महीने में मेरे
27,000 के आसपास सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। मतलब अभी मैंने जो देखा है लास्ट वो था 26,700, और ये वीडियो अपलोड होते होते तक कितने हो जाएंगे वो मुझे पता नहीं है। तो जो ऑलमोस्ट लेटेस्ट स्नैपशॉट होगा वो मैं लगाऊंगी स्क्रीन पर और इस वीडियो में अटैच कर दूंगी मैं, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं एग्जैक्ट कि हाँ कितने सब्सक्राइबर, क्योंकि मैं जो भी बात करती हूँ ना विद प्रूफ करती हूँ, मतलब कुछ भी मैं झूठ नहीं बोलती या कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलती मैं और यूट्यूबर्स की तरह कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। मतलब मेरे चैनल पर कुछ भी आपको फेक नहीं मिलेगा, जो कुछ मिलेगा रियल लाइफ में ही मिलेगा, रियलिटी में ही मिलेगा। मतलब मैं व्यूज़ के लिए या चैनल को प्रमोट करने के लिए ऐसा कुछ भी झूठ नहीं बोलूँगी या किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताऊँगी। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक महीने में 27,000 सब्सक्राइबर मिलना, यानी कि डेली के ऑलमोस्ट मुझे 1,000 सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, यानी कि 900 प्लस मेरे डेली के सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, यानी कि एक दिन में 1,000 लोग मेरे से एक्स्ट्रा जुड़ते जा रहे हैं। और ये सब आप लोगों की प्यार की वजह से है, सपोर्ट की वजह से है। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और आजकल मतलब हर तरफ से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो इसलिए ना वैसे ही अंदर से बहुत अच्छा अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट रहती है कि आज क्या खास होगा, आज कहाँ से क्या खबर आएगी। तो मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी लाइफ चल रही है, ऐसे ऐसे ही चलती रहे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसी तरह से मेहनत करती रहूं, आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं, आप लोग भी मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और चैनल ज़रूर मेरे सब्सक्राइब कर लें तीनों के तीनों। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आने वाली है, कोशिश करूँगी नवरात्रों तक आ जाए, मतलब नवरात्रों में बीच में या आगे पीछे आ जाएगी, कोशिश है मेरी। और भी कुछ लगी हुई हूँ मैं अच्छे काम में, तो आई होप अच्छा अच्छा ही होगा आगे भी। तो चलिए आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है। मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स पूछती हैं कि इतनी मेहनत कैसे कर रही है तू, समझ नहीं आ रहा, तू सोती नहीं है क्या, किस टाइम क्या करती है। तो देखिए इस टाइम YouTube का ना इतना पैशन है मेरे अंदर कि मतलब मैं खाना पीना छोड़ सकती हूँ, सोना छोड़ सकती हूँ, लेकिन YouTube की जो वीडियोस है ना वो मैं रेगुलर अपडेट करती रहती हूँ। मुझे कहीं भी जाना है ना तो मैं एडवांस में ये रखती हूँ कि मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हो, ताकि जिस टाइम मेरी वीडियो जानी है उस टाइम चैनल पर इजीली जा पाए। तो ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हो रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर पा रही हूँ। मुझे ये रहता है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको वेट नहीं कराना चाहती और इसलिए हर वीडियो टाइम पे अपलोड हो रही है। तो चलिए आज मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और ये सेलिब्रेशन टाइम हमारा चलता रहेगा, आगे आगे क्या कुछ होता है जल्दी ही आपको और नए व्लॉग्स में दिखाऊँगी और बहुत कुछ एक्साइटमेंट आगे आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं ना वो प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो यार, किसी भी चैनल पर जाओ, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सब हो रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।